सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक औरत जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, कैसे उसने अपने विश्वास के जरिए चंगाई पाया और जो 12 साल से उसका लहू बहने का जो बीमारी था, कैसे केवल यीशु मसीह के कपड़े को छूते ही उसे चंगाई मिली, इस बात को हम देखेंगे। आइए हमारे साथ निकालेंगे लूका 8 अध्याय उसका 43 आयत से हम पढ़ेंगे। एक स्त्री ने जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। यहाँ पर एक औरत जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी है, बाइबिल बताती है कि वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास अपना सारा रुपया, सारा पैसा गंवा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे उस बीमारी से चंगाई नहीं मिली, उस बीमारी से उसे आजादी नहीं मिली। तो फिर कैसे उसका बीमारी गया होगा, कैसे उसका बीमारी दूर हुआ होगा। आइए आगे आयत में हम लोग देखते हैं। 44 आयत में लिखा है, पीछे से आकर उसके वस्त्र को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ। यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी, और यीशु मसीह जब उस भीड़ में थे तो औरत भी आई। शायद उसे पता चला होगा कि यीशु मसीह रोगियों को चंगा करता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है। उस औरत को भी पता चला होगा, किसी के जरिए किसी ने उससे कहा होगा कि तू भी यीशु मसीह के पास जा, तुझे भी चंगाई। उस भीड़ में वो औरत आती है और यीशु मसीह के कपड़े को छूती है और उसे चंगाई मिली, उसका लहू बहना बंद हो जाता है। और यीशु मसीह को उतनी भीड़ में, हम लोग समझ सकते हैं कि यदि भीड़ में हम जाते हैं, अगर एक उदाहरण हम दें आप लोगों को, तो जब हम मेले में जाते हैं, कई तरह के लोग रहते हैं भीड़ में, कई तरह के लोग हमें टच कर देते हैं, टच हो जाता है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि भाई मुझे किसने छुआ, क्योंकि भाई भीड़ में तो कई लोग आते जाते हैं। पर्सनली हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि इसी मनुष्य ने मुझे छुआ, इसी मनुष्य ने मुझे टच किया। यीशु मसीह को पता चल जाता है कि इस भीड़ में से किसी ने चंगाई के लिए मुझे छुआ है, कोई मुझसे चंगाई चाहता है। यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकलती है, इसलिए वो पूछते हैं किसने मुझे छुआ। आगे आयत में हम देखेंगे, 45 आयत में लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब यीशु मसीह ये बात पूछते हैं कि कौन है जिसने मुझे छुआ, तब प्रभु यीशु मसीह के चेले उससे कहते हैं कि हे प्रभु, यहां पर तो इतनी भीड़ है, लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते हैं, और तू कहता है कौन है तुझे छुआ है। तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि नहीं, सबका छूना, सबका टच होना अलग है, लेकिन वो जिसने मुझे छुआ है, जिसके लिए मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। और उस औरत को जब ये बात सुनाई पड़ती है, वो छिपाने लगती है कि मैं उसे बताऊं ना कि मैंने उसे छुआ है, लेकिन वह छिपा नहीं पाती, वह डरती और कांपती हुई आती है और यीशु मसीह से क्या कहती है। आगे आयत में हम लोग बोलेंगे, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। जब औरत ने जान लिया कि अब मैं नहीं छिप सकती, प्रभु को बताना ही पड़ेगा कि मैंने ही छुआ है और किस कारण मैंने छुआ है, ये भी बताना पड़ेगा, तब वो औरत प्रभु यीशु मसीह से अपनी सारी बातें बताती है कि कैसा बीमारी उसके शरीर में था और किस कारण से उसने छुआ, और जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, कैसे उसका लहू बहना बंद हो गया। तब उस औरत से प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। 48 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। मेरे प्रियो, उस औरत ने विश्वास के जरिए केवल यीशु मसीह के कपड़ों को छूते ही उसका बीमारी चला गया, उसका लहू बहना बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात,
यीशु मसीह के पीछे भीड़ थी, लेकिन फिर भी उस भीड़ में जरूरी नहीं है कि सब लोग स्वस्थ रहे होंगे, किसी के जीवन में समस्या नहीं रही होगी, किसी के पास बीमारी नहीं रही होगी। बहुत से लोग बीमार थे, बहुत से लोग बीमार रहे होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ थी उसमें ज्यादातर लोग चंगाई के लिए ही थे। ज्यादातर लोग अपनी बीमारी अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए उनके पीछे। लेकिन इस औरत का प्रभु यीशु के पास आना और उनके कपड़ों को छूना और चंगाई मिलना सबसे अलग था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं, कौन है जिसने मुझे छुआ? वो औरत डरती और कांपती हुई आती है और कहती है, मैंने तुझे छुआ। यीशु मसीह ने उसे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। मेरे अजीजों, जब वो औरत अपने गलियों में गई होगी, अपने मोहल्ले में गई होगी, अपने गाँव में गई होगी, जो लोग उसे देखकर मुकर जाते थे, जो लोग उसे देखकर मुंह छिपा लेते थे, उन लोगों के सामने बड़े हियाव के साथ कहती होगी, आओ देखो उस खुदावंद को जिसने मेरे गुनाहों को माफ किया, जिसने मेरी बीमारी को ठीक किया, जिसने मुझे चंगाई दिया। वो लोगों के सामने प्रभु के बारे में बताती हूँ। आज हमारे पास, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण वो सारी समस्याएं, वो बीमारियां हमारे जीवन से नहीं जा पा रही। मेरे प्रियो, बाइबल में सबसे बड़ी चीज जो है वो है विश्वास। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है और तू इस पहाड़ से कहे कि उखड़ कर समुद्र में पड़ जा, तो तेरे लिए हो जाएगा। यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं ना, तो हमें कभी लज्जित नहीं होती। हमें और आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या हम विश्वास में मजबूत हैं या हम प्रभु पर संदेह करें। हम प्रभु पर संदेह करने लग गए जबकि हमें विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है, ये बात हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि एक दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं जाऊंगा। ये सब परमेश्वर के वायदे हैं जो परमेश्वर ने हमसे किया है। परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं, कभी त्यागता नहीं। और सच में आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो भी समस्या है, यदि उस औरत के जैसा हम विश्वास करते हैं, तो निश्चय हमें भी प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि जा, तू चंगा हो, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे भाइयों, इस औरत से जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, इससे हमें सीखना चाहिए कि कैसे विश्वास के जरिए हम बड़ी से बड़ी बीमारी से भी चंगाई पा सकते। 12 साल से लहू बहने का बीमारी था, 1 महीने 2 महीने से नहीं, 12 साल से। जो अपना सारा रुपया गंवा चुकी, जो अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुकी, अंत में केवल विश्वास किया और यीशु मसीह के कपड़ों को छूते उसे चंगा किया। यदि हम भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं बिना गुड़गुड़ाए, तो निश्चय परमेश्वर हमें भी हमारी बीमारी से आजादी देगा, छुटकारा देगा, चंगा देगा। वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि औरों के पास भी ये वचन पहुंच सके, जिससे उनका विश्वास मजबूत हो।